हाय ब्यूटीज, हेयर केयर की जब बात आती है तो हेयर ऑयलिंग के अपने ही फायदे होते हैं। अगर अपने बालों का टेक्सचर जान के और हेयर प्रोसेस जान के अगर आप हेयर केयर करते हैं तो ज़्यादा फायदे होते हैं। मेरे बाल डल, ड्राई और बहुत डिहाइड्रेटेड है। 1 वीक से तो मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया है। आप देख सकते हैं मेरे बालों में कितनी बुरी तरीके से उलझने पड़ी हुई है, और बालों की हेयर ग्रोथ तो हुई है बट मैंने हेयर वॉश नहीं किया, उसकी वजह से बाल इतने डल और बेकार से दिख रहे हैं। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल अपने आप में सबसे बेहतरीन एसेंशियल ऑयल होता है, जो कि आप लो प्रोस, ड्राई हेयर और हाई प्रोस वाले भी इसका यूज कर सकते हैं। आप इसे किसी भी करियर ऑयल के साथ मिक्स करके लगाओगे तो ज्यादा फायदे हो। इसको डायरेक्टली मत लगाना, ये नेचुरल तरीके से आपके बालों को कंडीशन करता है, हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है और बाल बढ़ाने में बहुत बहुत ज्यादा फायदे देता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को अपने हेयर केयर रूटीन के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। मैं प्रेफर करती हूँ हेयर ऑयलिंग के साथ में, मैं कोकोनट ऑयल के साथ कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल की मिक्स करके फिर इसके बाद ऑयलिंग करती हूँ। बहुत सूदिंग लगता है और स्पेशली कर्ली और जो वेवी से बाल हो जाते हैं ना, उनको मॉइस्चर पहुँचाने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। मैं पर्सनली हेयर ऑयलिंग करने के बाद कोम्बिंग करके बालों को सुलझा के एक पोनीटेल बना लेती हूँ, छोटी कर लेती हूँ। बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब स्कूल जाते वक्त हमारी मम्मियाँ, नानी वगैरह, दादी छोटी करती थी और हमें कितना अच्छा सुकून मिलता था, ट्रस्ट में। तो ये था मेरा नाइट टाइम रूटीन। फॉलो फॉर मोर।